ये इस एपिसोड में हम बताएंगे किस तरह से मैट्रिमोनी साइट्स में लोगों के साथ ठगी की जाती है और उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है। पेड है लेकिन कस्टम्स क्लियरेंस आपको लगेगा, ये 1% ऑफ द वैल्यू है, तो 4 लाख वैल्यू जैसे दिखा रहा है तो 4000 रुपीज़ आपको जमा करना पड़ेगा कस्टम्स के लिए। गिफ्ट था ये रिटर्न हो गया है क्योंकि इसमें कुछ डिफिशेंसी पाई गई है, तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा दोबारा यूके, तो उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ और जमा करना पड़ेगा, नहीं तो गिफ्ट आपका यहीं पर रह जाएगा। अभिषेक, ये आपने क्या भेज दिया है गिफ्ट में मुझे? मुझे कस्टम से फ़ोन आ रहा है कि इसमें ड्रग्स है, ये सब क्या है जी? आप कस्टम्स डिपार्टमेंट को के साथ ड्राइवरी कर रही थी आप? आपने हमारे वेबसाइट पर कैसे 2 लाख रुपये जमा किए आपने? आपको तो नालसा के ऊपर आपको लेके आना पड़ेगा, आपको आपको जो है आपके ऊपर अब कार्रवाई होगी। अवेयरनेस सीरीज में ये इस एपिसोड में हम बताएंगे किस तरह से मैट्रिमोनी साइट्स में लोगों के साथ ठगी की जाती है और उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है। हेलो हेलो, शिल्पा मैम बोल रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ। हाँ, हमने देखा है कि हमारे मैट्रिमोनी साइट पे आपने रजिस्टर कराया है। जी मैंने करवाया है। एक डॉक्टर अभिषेक पल्लव हैं, उन्होंने आपका नंबर जो है यहाँ से लिया है, मैं आपको उनका नंबर भेज रहा हूँ, वो आपको कॉल करेंगे। जी मैं देख लेती हूँ। हेलो शिल्पा जी, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। मैं अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ जी। मैं डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, MD करके मैं UK में सेटल्ड हूँ। वहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बनाया है मैंने, 200 बेडर। पहले मैं NHS में काम करता था। मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, वो प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो क्या हम आगे बातचीत कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स डे भी आ रहा है, तो मैं उस पर आपको एक मैं देख पा रहा हूँ कि आपका भी आप भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स डे में मैं आपको कुछ गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। जी थैंक यू, बिल्कुल मैं आपको उसको भेज दूंगा और आपका जो उसका ID है वो आपको WhatsApp कर दूंगा आपको इसी नंबर पे। ठीक है, मैं देखती हूँ, आप ID भेजिए। बिल्कुल। हेलो जी, मैं कस्टम्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। जैसा हम देख सकते हैं कि आपके एक आपको गिफ्ट आया है UK से, 2.4 kg का है, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 4 लाख दिखा रहा है, वो आपको हमें डिलीवर करना है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्योंकि बाकी तो सब पेड है लेकिन कस्टम्स क्लियरेंस आपको लगेगा, ये 1% ऑफ द वैल्यू है, तो 4 लाख वैल्यू जैसे दिखा रहा है तो 4000 रुपीज़ आपको जमा करना पड़ेगा कस्टम्स के लिए। जी कहाँ पे जमा करना है, कैसे जमा करना पड़ेगा? आपके फ़ोन पे इसी नंबर पे सारी डिटेल्स आ जाएंगे, आपको अकाउंट नंबर आ जाएगा हमारे कस्टम्स जो कुरियर है उसके कस्टम सेल का, वहाँ पे आप जमा कर देंगे तो हम लोग इसी पैसे को कस्टम डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर देंगे। आपको 24 आवर्स के अंदर इसको जमा करना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं जमा कर देती हूँ। हेलो जी मैडम, आप 4000 रुपीज़ जमा करना था आपका, वो उसमें सरचार्ज भी लगना था 1%, वो गलती से उसमें ऐड नहीं हुआ, तो 4030 रुपये जमा करना था, तो आपका 4000 रुपीज़ ही हुआ है। 30 रुपीज़ क्योंकि आपने जमा नहीं किया तो फिर पेनल्टी दिखा रहा है आपका 2000 रुपीज़ का, तो आपको 2000 रुपीज़ अगले 1 घंटे के अंदर जमा करना पड़ेगा ये गिफ्ट आपको चाहिए तो। अच्छा मैं कर देती हूँ, मैं फिर। हेलो जी, ये जो आपका गिफ्ट था ये रिटर्न हो गया है क्योंकि इसमें कुछ डिफिशेंसी पाई गई है, तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा दोबारा UK, तो उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ और जमा करना पड़ेगा, नहीं तो ये गिफ्ट आपका यहीं पर रह जाएगा, तो आप तुरंत जो है आधे घंटे के अंदर से जमा कर दीजिए। ठीक है, आधे घंटे के अंदर? बिल्कुल आधे घंटे के अंदर। अच्छा, जी मैंने जमा कर दिया है। ये आपने जमा तो कर दिया है लेकिन उस डब्बे के अंदर कुछ सस्पिशियस चीज़ें मिली हैं उसमें, क्योंकि आपका एड्रेस है तो आपके ऊपर लीगल केस बनेगा, ये तो आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का भी हनन करते हैं और निश्चित रूप से इससे तो काफ़ी गंभीर धाराओं आपके आपके ऊपर लग सकती हैं, आपको हमारे लीगल सेल से बात करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। अभी आपको नंबर भेजा जा रहा है, लीगल सेल पर कॉल करके बात करें। जी हेलो, मैं कस्टम्स ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके ये में काफ़ी ड्रग्स मिले हैं।
जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राबैंड है, आपके ऊपर तो NDPF की गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। आपको हमारे एजेंट साहब से मिलेंगे, आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। आप वीडियो कॉल में आपको लगवाता हूँ, हमारे SP साहब आपसे बात करेंगे। आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हो, मैं आपकी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता हूँ। आप लोग बाहर से चीज़ें मंगाते हो, ड्रग्स मंगाते हो ग्रे मार्केट से। जी मैं ऐसा नहीं करती, ये गलत है। अरे गलत क्या है, अभी आप जेल चली जाएंगी, आपके पूरे पेपर में छप जाएगा, कितनी बदनामी होगी, समझ रहे हो आप लोग? डॉक्टर होकर ऐसे काम करते हो, कोई मरीज नहीं आएगा आपके पास। आप लोग ड्रग्स, बैंड ड्रग्स मंगवाते हो आप लोग UK से? नहीं मैंने नहीं मंगाया है ये। अरे तो आपको ऐसे आपके एड्रेस पे कैसे चला गया? आपने लगातार उसके 2000 रुपये जमा किए, 1000 रुपये जमा किए, आपका सामान नहीं था तो जमा क्यों कर रहे थे आप? ये मुझे मैट्रिमोनी साइट से गिफ्ट मिल रहा है। मैट्रिमोनी साइट से ड्रग्स आते हैं गिफ्ट में? आप बेवकूफ समझती हैं हमें? अभी तुरंत हमारे SP साहब वीडियो कॉल करेंगे, उनसे बात कीजिए आप। जी हाँ मैम। जी सर नमस्ते। आपके खिलाफ NDPF की गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो रही है। सर लेकिन ये मेरा गिफ्ट नहीं है। अरे मैम गिफ्ट नहीं है, पहले आपने 1000 रुपये जमा किए, फिर 2000 जमा किए, फिर 5000 जमा किए, कोई दूसरे के गिफ्ट के लिए थोड़ी जमा करेगा। सर मुझे पता नहीं था कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है। अभी मैडम सब मालूम चल जाएगा आपको, अभी हम मौका दे रहे हैं आपको। NDPF में एक प्रोविजन होता है कि आदमी जो है पर्सनल यूज की चीज़ों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकता है। इसमें आपको 2 लाख रुपए लगेंगे, अब आप सेटल कर लीजिए, नहीं तो फिर आप NDPF में कम से कम 5 साल के लिए जेल जाइएगा, फिर आप हमें मन बोलिएगा कस्टम्स को। सर मैं पेमेंट कर दूंगी सर 2 लाख। अभी तुरंत जमा करिए आप 1 घंटे के अंदर। सर आप मुझे डिटेल दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। कस्टम्स का मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको डिटेल्स कहाँ पर जमा करना है कस्टम डिपार्टमेंट में। हेलो। हाँ अभिषेक, ये आपने क्या भेज दिया है गिफ्ट में मुझे? मुझे कस्टम के से फ़ोन आ रहा है कि इसमें ड्रग्स है, ये सब क्या है? जी आप कस्टम डिपार्टमेंट को के साथ ड्राइवरी कर रही थी आप? आपने हमारे वेबसाइट पे कैसे 2 लाख रुपए जमा किया आपने? आपको तो नालसा के ऊपर आपको लेके आना पड़ेगा आपको। आपको जो है आपके ऊपर अब कार्रवाई होगी मैडम। आप पुलिस को ड्राइव करने की कोशिश कर रही थी हमारे डिपार्टमेंट को आप? नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही थी। तो 2 लाख रुपए किसी कहाँ गए, हमारे अकाउंट में कैसे आए? मुझे वो सेटलमेंट के लिए बोला गया था मैडम। वो सेटलमेंट के साथ आपने रिसिप्ट लिया उसका? नहीं मैंने तो नहीं लिया। बिना पहले तो आप ड्रग्स मंगवाती हैं, उसके बाद सेटलमेंट करती हैं। आपको मेरे इंस्पेक्टर का फ़ोन आएगा, वो समझाएगा आपको कैसे काम करना है। ठीक है। हेलो। हेलो मैडम, वो अब आप जो है बुरी तरह फंस चुकी हैं। 2 लाख रुपए आपने जो ब्राइबरी किया था उसके ऊपर साहब ने जो है एक कागज़ खोल दिया है, उस कागज़ को दबाना पड़ेगा हम लोगों को। सर तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप जो है, मैं आपको अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उसमें आप 5 लाख भेज दीजिए, मैं उसको सेटल करवा दूंगा उसको। सर अब मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैडम पैसे नहीं, फिर जेल जाना पड़ेगा। डॉक्टर हो आप, महीने के 50-1 लाख रुपए ऐसे कमाते हो, 5-6 महीने में निकल जाएगा आपका। आप जेल चले जाओगे तो फिर कौन आएगा आपके पास? सोचिए, पूरे देश दुनिया में बेइज्जती होगी आपकी। सर तो मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं 24 घंटे दे रहा हूँ मैडम, उसके बाद कस्टम्स SP साहब बहुत नाराज़ थे, टीम भेज के आपकी गिरफ्तारी करा देंगे। मैं पैसे देती हूँ। देवांश क्या आपके पास पैसे हैं? मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। क्या हो गया है इस टाइप का? नहीं मुझे कुछ चाहिए था, मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी मुझे 5 लाख चाहिए था। इतना बड़ा अमाउंट किसके लिए? अब मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, मुझे अभी चाहिए थे पैसे। प्रॉब्लम होगा तो कुछ सेटल कर सकते हैं? मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ, कृपया अभी मुझे दे दीजिए आप। ठीक है मैं तुमको ट्रांसफ़र करता हूँ। क्या गूगल पे चलाते हैं? हाँ ठीक है, आपके अकाउंट पर मैं गूगल पे करता हूँ। ठीक, थैंक यू। हेलो। जी सर। आपका सेटल हो नहीं पाया, वो सर तो बहुत नाराज हो रहे थे, आपके लीगल नोटिस भी इशू हो गया। व्हाट्सएप खोलिए, भारत सरकार का लीगल नोटिस आया है आपको, उसमें तो आपको UK जाके आपको स्टेटमेंट देना पड़ सकता है, वो तो एक्स्ट्रेडिशन हो जाएगा आपका। तो UK में तो ड्रग्स को लेके बहुत ही, भारत सरकार में तो मैंने सॉल्व करवा दिया था, लेकिन अब UK गवर्नमेंट उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें आपको एम्बेसी को भी सेट करना पड़ेगा अपने को, और मान के चलिए कम से कम 8-10 लाख का खर्चा आएगा। आप जमा कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी? नहीं सर ये आप अब गलत कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मैंने कोई ड्रग्स मंगाया है, ये आप गलत कर रहे हैं। गलत नहीं, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी मैडम। आप कर लीजिए कार्रवाई, अब मुझे समझ आ गया है कि ये फ्रॉड है। मैं एम्बेसी से आपको लेटर भिजवा रहा हूँ। ठीक है सर आप लेटर भिजवाइए।
आप देख सकते हैं किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को पुलिस का डर दिखा के, कभी भी व्हाट्सएप पे कोई वर्दी में व्यक्ति आए तो उसकी आइडेंटिटी को ना समझें। काफ़ी बार फ़ोटो किसी और का होता है, आवाज़ किसी और की होती है, काफ़ी बार फ़ोटो को मॉर्फोस करके ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि पुलिस अधिकारी आपको धमका रहा है। किसी भी लीगल नोटिस को पहले उसको जांचें, परखें, पैनिक ना हो। जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये आपके डर, आपके पैनिक, आपके लालच इसी का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी कोई नोटिस आए उसको ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके पता करें, नोटिस की लीगल वैलिडिटी देखें, ना हो डाउट हो तो उनके ऑफलाइन सीधे ब्रांच में जाके सीधा पता करें। काफ़ी बार सरकारी कर्मचारी बनकर धमकाया जाता है और लोगों के फियर का इस्तेमाल करके, बदनामी का डर दिखा के पैसे ऐंठे जाते हैं। कभी भी किसी भी मैट्रिमोनी साइट पर कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करे उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी उसको चेक करें। कभी भी कोई भी कस्टम्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट यदि पैसा कहीं मांग भी आती है तो आप कस्टम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पेमेंट करें। कभी भी किसी के पर्सनल अकाउंट में पेमेंट ना करें। कभी भी डाउट हो तो अपने आसपास वाले लोगों से सलाह लें। अकेले कभी कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते, यदि हम दो चार लोगों की सलाह लेंगे तो कोई ना कोई हमें सही सलाह देगा और हम बच पाएंगे। यदि आपको फिर भी डाउट हो तो आप 100 या 112 पुलिस को मदद करके, पुलिस की मदद लेकर या नज़दीकी थाने जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।